छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के हड़ताल का आज 13वां दिन है। आज से इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की है। दो महिलाएं हैं जिन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे आमरण अनशन करेंगे, चाहे इनके स्वास्थ्य खराब हो जाए या इनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वे लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ी रहेंगी और आमरण अनशन कर सरकार को अपनी मांगों को पूरी जरूर करवाएंगी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या अब तक सरकार से उनकी मांगों को लेकर चर्चा हुई भी है या नहीं। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग हड़ताल कर रही हैं? हमारी स्थायीकरण और नियमितीकरण दो ही मांग है, इसके लिए हम आज से आमरण अनशन पे बैठे हैं। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती, जैसे कि 13 दिन से भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यदि आगे भी सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, ध्यान नहीं देती, तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? और उग्र रूप से हम आंदोलन करेंगे। जैसे कि अभी आंदोलन आमरण अनशन जो दूसरा संघ है वो भी कर रहा है, उनमें जो स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं, यदि जो आपकी दो महिलाएं जो आंदोलनरत हैं उनके स्वास्थ्य की समस्या आती है तो किसको उसका जिम्मेदार मानेंगे आप लोग? हम लोग दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ आज 13वां दिन हो गया अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 7 वर्ष कार्य किया है उस दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया है, और उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने 60,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार हम दैनिक वेतनभोगियों को भी नियमितीकरण करें हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर, और मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर जो नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगी हैं उनको स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण करें। अगर सरकार हमारे मांगों को नहीं मानता है तो यह आंदोलन उग्र रहेगा। और रही बात आज से हमारे बहनें आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर मान लो जाए हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है शासन और प्रशासन, तो इसके लिए भविष्य में कुछ भी होता है तो इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं वन कर्मचारी संघ। ये अपने 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी 2 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर अभी तक सरकार से इनकी सहमति नहीं बन पाई है। इनका कहना है कि आगे भी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अपना हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ प्रिया पांडे, क्लिप्स.इन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।